तो कुछ ये आपको यूनिक मिल जाता है यहाँ पे। ये हमने करी डिप और ये अब जाएगी। अभी चल रहा है ये, वहीं की आवाज़ आ रही है एंड ऑफ द डे की। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हो परम ऑन व्हील्स। और इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली के अंदर एक बहुत ही हैपनिंग सी जगह पे। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के साकेत में चंपा गली। भाई दिल्ली के अंदर ना रिसेंट टाइम से बहुत सारे ऐसे कैफेज और ऐसी जगह ट्रेंड में रही है जहाँ पे एक वाइब ही अलग होती है, जहाँ पे आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जाके चिल कर सकते हो। चंपा गली एक ही ऐसी जगह है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन दिल्ली बोलूँगा चंपा गली को, जहाँ पे शाम के टाइम तो एक अलग ही नज़ारा होता है भाई। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। अभी फिलहाल चंपा गली के सामने यहाँ पार्किंग है, बहुत खुला एरिया, यहीं पर खड़ा हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं आपको लेकर चंपा गली में एंड बताता हूँ, दिखाता हूँ कि क्यों इतनी खास है ये जगह दिल्ली के अंदर। लेट्स गो। सो गाइस चंपा गली दिल्ली के साकेत में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर कैफेज देखने को मिलते हैं। एंड चंपा गली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन दिल्ली टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स। एंड ऑल दीज कैफेज हियर आर फेमस फॉर देयर डेकोर, लाइटिंग्स एंड देयर टाइनी सिटिंग स्पेसेस। और अगर बात करें यहाँ तक पहुँचने की तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है साकेत का। हाँ जी, सो चंपा गली पहुंच चुके हैं एंड यहीं से एंट्री स्टार्ट होती है, चंपा गली के एरिया स्टार्ट होता है। एंड बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रहा होगा म्यूजिक वगैरह बज रहे हैं, जैसे कि आपको बताया था मैंने, यहाँ पे अलग अलग कैफे थे तो म्यूजिक वगैरह बज रहा है, उसी की वाइब यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी। और अभी मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आऊँ तो मैंने कुछ नए कैफेज भी दिखाऊंगा आपको। प्लस यहाँ पे एक सोशल स्ट्रीट कैफे हुआ करता था मेरे बगल में, उसका नाम थी जो कि बिग बॉक्स कैफे है। उसके अंदर का क्या भी एम्बियंस है और बहुत सारे सुंदर सुंदर से यूनिक कैफे भी है। स्टार्ट करते एक एक करके मैं आपको कैफे उसका एम्बियंस दिखाता हूँ। और फिर कुछ अच्छे से जगह पे कुछ सुंदर से एक नया कैफे जिसमें बैठेंगे, चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे आप सभी के साथ। वीडियो एंड तक देखते रहे। सो गाइस चंपा गली में एंटर करते ही सबसे पहला कैफे आपको देखने को मिलता है बिग बॉक्स कैफे। इस कैफे का नाम पहले सोशल स्ट्रीट कैफे हुआ करता था लेकिन अब चेंज होकर इसका नाम हो गया है बिग बॉक्स कैफे। इस कैफे में आपको बहुत ही कूल एम्बियंस देखने को मिलता है, इंडोर में आपको बहुत ही सुंदर सा सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एंड यहाँ की सबसे खास चीज ये है कि यहाँ पे आपको लाइटिंग का बहुत ही यूनिक और क्यूट सेटअप देखने को मिलता है। बिग बॉक्स कैफे के साथ ही आपको देखने को मिलता है मूनलिट कैफे। इस कैफे का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर सा और क्यूट सा है। एंड इस कैफे की खासियत ये है कि यहाँ पे रोज शाम को 7 बजे के बाद लाइव म्यूजिक भी रहता है। सो गाइस चंपा गली में और आगे बढ़ने पर आपको बहुत ही सुंदर, फेमस और मेरा अपना पर्सनल फेवरेट कैफे देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ बारी कैफे की। ये बहुत ही सुंदर और क्यूट सा कैफे है। इस कैफे की डिजाइनिंग ब्लू कलर में आपको देखने को मिलती है। एंड इस कैफे का थीम और डिजाइन कुछ इस तरीके का रखा गया है कि जो आपको बिल्कुल गोवा की वाइब देता है। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, कूल पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए बारी कैफे इज वन ऑफ द बेस्ट कैफे इन चंपा गली। एंड बारी कैफे के जस्ट साथ ही आपको देखने को मिलता है ब्लेक कैफे, जो कि रिसेंटली ओपन हुआ है। एंड इसका इंटीरियर डार्क थीम पर बेस्ड है। एंड इस कैफे की खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक बार का सेक्शन अलग से मिलता है। सो गाइस बारी और ब्लेक कैफे के जस्ट साथ ही आपको देखने को मिलता है बेला व्यू कैफे, जो कि रिसेंटली ओपन हुआ है। इस कैफे की जगह पर पहले नर्डी कैफे हुआ करता था। एंड इस कैफे में आपको ओपन रूफ डाइनिंग भी देखने को मिलती है। एंड नो डाउट इस कैफे का डिजाइन और एम्बियंस बहुत ही सुंदर बनाया गया है। सो गाइस बात करें अगर चंपा गली में कॉस्ट की, तो यहाँ पे आप किसी भी कैफे में अगर विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज कॉस्ट पड़ती है 1,000 रुपीज़ to 1,500 फॉर 2 persons। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे कैफेज में और इस पूरे एरिया में एंट्री एकदम फ्री है। हाँ जी, सो ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना आप, ये वाला, ये है मेन गली, जो मेन एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं। एंड यहाँ पे देखो एक जगमग ठेला बहुत फेमस, इसका अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ आपको, लेकिन इसके बाहर ऐसा कुछ है जिसमें आप फोटोज क्लिक करा सकते हो। कुछ ऐसे कपड़े पहन के आओ इंस्टाग्रामेबल, तो यहाँ पे फोटोज क्लिक करो, है ना भाई? देख रहे हो कपड़े तो कपड़े, चेन भी चमक रही है भाई, चश्मा भी है भाई। तो आपको इंस्टाग्राम पे चमकना, तो ऐसी जगह पे आओ, फोटो खिंचवाओ, ऐसा कुछ सीन है, एक नंबर। ये चीज़ है, जगह बहुत सुंदर है। एंड आज वीकडे में आए इसीलिए कि क्राउड ना मिले, मतलब हम अच्छे से एक्सप्लोर करके आपको दिखा पाए। आप लोग सैटरडे वगैरह में आओ तो एक नंबर क्राउड भी होता है एंड वाइब अलग होती है। सो गाइस जगमग ठेला को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। चंपा गली का सबसे पुराना कैफे कोई है तो वो जगमग ठेला है। इस कैफे का डिजाइन बहुत ही सिंपल रखा गया है, जिसमें कि आपको इंडोर के साथ साथ आउटडोर सिटिंग अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है।
सो गाइस जब भी आप लोग चंपा गली जाओ तो ड्रीम कैचर्स कैफे जरूर विजिट करिएगा। इस कैफे की एंट्रेंस में ही आपको बहुत सुंदर सा सेटअप देखने को मिलता है एंड साथ ही इस कैफे की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको ओपन रूफ डाइनिंग देखने को मिलती है जो कि इस कैफे को अपने आप में ही अलग बनाती है। हाँ जी, इसको पीछे देख सकते हो कि चंपा गली का जो मेन एरिया मैंने आपको दिखाया था, इसमें और बहुत सारे कैफेज़ हैं। मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे कैफेज़ में पहले जा चुका हूँ, लेकिन जैसे कि आप बोला था कुछ यूनिक कैफे आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे है फोर डायरेक्शंस कैफे। फोर डायरेक्शंस जो नाम है ना, इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो आपको बताऊंगा। पहले आपको लेके चलता हूं अंदर, इसका एम्बियंस दिखाता हूं और इसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट है ना भाई, एक नंबर है। आओ दिखाता हूं। क्यूट सा एम्बियंस है इनका, मतलब मैं बोलूँगा आप आओगे ना आपको एक घर जैसे फील आएगी। वो क्यों? क्योंकि पीछे सिटिंग अरेंजमेंट है ना, यहाँ पे ये है एकदम यूनिक। एंड फोर डायरेक्शंस का मतलब ये है, बेसिकली इनका कंसेप्ट ये है कि हर दिशा से लोग यहाँ पे आ सकें, ऐसा कुछ है। तो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, उसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। हाँ जी, एक तो कुछ ये आपको यूनिक मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। एंड अपना ऑर्डर भी आ गया है ना, ये तो लगे पड़े हैं, आता नहीं है खेलना, लेकिन बस ऑर्डर भी आ गया अपना। हाँ जी, इस अपने यहाँ पे खाने में ऑर्डर किया है एक पिज़्ज़ा और चीज़ी पेरी पेरी फ्राइज। भाई कहीं भी कैफे में चले जाओ ना, मेरे को इसके बिना, चीज़ी पेरी पेरी फ्राइज के बिना अपना तो मील लग रही है। सबसे ज़्यादा देखो ये पेरी पेरी फ्राइज एक सेकेंड। तो भाई ये आपकी पेरी पेरी फ्राइज, इसको डिप करेंगे चीज़ में। देखो ये हमने करी डिप और ये अब जाएगी। भाई जो सुकून मिलता है ना, एक नंबर भाई। वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। पिज़्ज़ा दिखाता हूँ आपको, पिज़्ज़ा देखो भाई। वैसे तो मोस्टली क्या होता है, इसको लो प्लेट में रखो फिर खाओ, लेकिन अपना सीन ये है कि भाई हम तो ऐसे ही हैं भाई। भाई चीज़ बहुत सही है, मतलब चीज़ अच्छी क्वांटिटी में डाली हुई है एंड थिन क्रस्ट है, बढ़िया, एक नंबर। साथ में मैंने ये भी लिया ओरियो शेक, ऑल टाइम फेवरेट। खाना खाते हैं और मैं शाम हो चुकी है, फिर यहाँ पे नाइट भी दिखाता हूँ कैसे, एंड कुछ कैफे में यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी होता है, फिर वो भी दिखाऊंगा। हाँ जी, सो खाना एकदम टेस्टी था और लो लास्ट में वो ओरियो शेक लिया ना, मज़ा आ गया। अभी ना लाइटिंग हो चुकी है यहाँ पे, तो लाइटिंग में आपको दिखाता हूँ कैसा व्यू है, एक नंबर। देखा ना आपने, शाम के टाइम तो यहाँ पे एक अलग ही माहौल हो जाता है और बैकग्राउंड में आपको आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि 7 बजे के बाद शाम को यहाँ पे लाइव म्यूजिक चलता है। जो मैंने कैप्चर करके आपको दिखाया वो चल रहा था, रेड ब्रिक्स कैफे है उसके अंदर, उसी के साइड में एक ईओडी एंड ऑफ द डे कैफे है, वहाँ पे भी चल रहा है, ये वहीं की आवाज़ आ रही है एंड ऑफ द डे की। शाम के टाइम एक अलग माहौल होता है। तो बेसिकली मैं बोलूँगा दिल्ली के अंदर अपने फ्रेंड्स का चिल करना है, आपको एंजॉय करना है, अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवानी है, आ जाओ चंपा गली, बेस्ट जगह है दिल्ली के अंदर। आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नई जगह के साथ, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी ना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन कर देना। बाय।